गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6B एंड इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न हाउ टू प्रोडक्ट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो लेट्स स्टार्ट इट. फाइंड द प्रोडक्ट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी आपको जैसे आप सिंपली नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 और 3 की करेंगे 2, 3 6, इसी तरीके से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3a² × 8a⁴. जब हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यानी अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए अगर आप एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नेसेसरी नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे उनकी पावर सेम है या ना हो. ठीक है, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स की मल्टीप्लाई अलग होती है और जो वेरिएबल्स हैं उनकी मल्टीप्लाई अलग होती है. वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई कैसे होती है, जो उनकी पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं. ठीक है, तो जैसे अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो 3 और 8 नंबर हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी. यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, इसकी पावर 2 है, जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, प्लस इसकी पावर क्या है, 4 है. ठीक है, 3 8 24 और a की पावर 4 और 2 6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. आपको न्यूमेरिकल्स की मल्टीप्लाई करनी है और जो पावर्स लगी हैं उनको ऐड कर देना है और वही हमारा जो है प्रोडक्ट कहलाता है. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, −6x³ मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई और x में ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई जो है वो अलग बनाइएगा, x स्मॉल ही बनाइएगा, कैपिटल नहीं बनाना, 5x² तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, यानी −6 की मल्टीप्लाई होगी 5 से और x जो है यहाँ पर पावर 3 है प्लस यहाँ पर पावर क्या है, 2 है. ठीक है, तो 6 5 30 माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 30 और x की पावर 3 और 2 5. जब ये तो अभी शॉर्ट टर्म्स हैं, जब हमारे पास लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन आएंगी जैसे इस तरीके की, तो यहाँ पर हम पावर्स को ऐड करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ हम डायरेक्ट ऐड करेंगे. ये तो शॉर्ट है इसलिए हम पावर को ऐड करके दिखा रहे हैं आपको. ठीक है, जैसे दूसरा देखिए, एक और देखिए, ये थर्ड नंबर, इसमें क्या है, आपको −4ab की मल्टीप्लाई करनी है, 3 − 3a² bc के साथ. जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में कोफिशियंट का सेम होना जरूरी नहीं है. ठीक है, आप सोचेंगे यहाँ ए बी है और यहाँ ए बी सी है, यहाँ पावर ए की 1 है, यहाँ 2 है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. अगर हमें इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है पीछे वाले अलग है, बट मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं. तो नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी, यानी −4 मल्टीप्लाई करेगा −3 के साथ. और देखिए ए, ए की 2 पावर ये है, और जब कोई पावर नहीं लगी होती इसका मतलब 1 होता है. ठीक है, 2 पावर ये है और 1 पावर ये है, तो ए की पावर कितनी हो गई, 3. ऐसे ही बी की देखिए, 1 पावर ये है, 1 पावर ये, तो कितनी हो गई, 2. और सी की 1 ही है, तो ये सी ऐसे ही रहेगा. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12. और a³ b² c, ये हमारा आंसर होगा. क्लियर है, आप पावर्स को ऐड करके दिखा भी सकते हैं इस तरीके से, बट जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस करेंगे, तो ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे ये भी शॉर्ट है, ये आप कर लेंगे, फिर भी मैं करके दिखा दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2/3 x² y मल्टीप्लाई करना है 3/5 xy² से. तो नंबर्स को अलग कर लीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा है 3/5 से. x देखिए कितने हैं, 2 ये हैं और 1 ये है. ठीक है, 2 पावर इस पे, 1 पावर इस पे, तो x हो गए 3. y कितने हैं, 1 पावर इस पे, 2 पावर इस पे, तो y कितने हो गए, 3. 3 1 3, 2 1 2, 2/5 x³ y³, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. क्लियर है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम ऐसे ही होना है, नंबर्स की मल्टीप्लाई अलग होगी, साइन की भी होती है, जैसे ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस. अभी मैंने आपको पीछे के एग्जांपल्स में बताया था
ठीक है, यहाँ 9 3 27, तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 1 अपॉन 6, और पावर देखो यहाँ ए की 2 है और ए की 3 है, तो टोटल ए कितने हो गए 5, और यहाँ बी की 2 है और बी की यहाँ पर 1 है, तो बी कितने हो गए 3, सी यहाँ पर नहीं है यहीं पर ही है, तो सिर्फ ये सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 12 आपको मल्टीप्लाई करनी है, क्या लिखा है, 2a² बी मल्टीप्लाई माइनस का 5ab² c मल्टीप्लाई माइनस का 6bc² तो नंबर्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई माइनस का 6 सिंबल के साथ लेकर आते हैं। ठीक है, अब देखिए a, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ नहीं है, यानी कि a की पावर 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 और 1 3, और 1 यहाँ पर है, यानी कि b की पावर 4, यहाँ पर सी 1 है और यहाँ 2 है, यानी कि सी क्यू। 2 5 10, 10 6 60, माइनस माइनस प्लस, 60a³ बी की पावर 4 सी क्यू, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई है, करके दिखा दूँ एक और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, माइनस का 2 अपॉन 7 u⁴ v मल्टीप्लाई माइनस का 14/5 uv³ मल्टीप्लाई माइनस का 3/4 u² vq। नंबर्स को एक साथ कर लेंगे, माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई माइनस का 14/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/4। ठीक है, और u देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 1 है, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी u की पावर 7। v देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 और 1 4, और यहाँ भी 3 है, तो 4 और 3 7, यानी v की पावर 7। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ऊपर क्या बचा, 1 3 जा 3, और नीचे 1 5 जा 5। आप सिंबल देखें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, U की पावर 7, V की पावर 7, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मल्टीप्लाई माइनस का 2/3a² b बाई 6/5a³ b² एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a=2 b=3। हमें क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, किसकी किससे करना है, -2/3a² b की करना है, b बाई बाई लिखा ना, बाई इससे करनी है, 6/5a³ b², पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ठीक है या नहीं है। ये वेरिफिकेशन के लिए हमें वैल्यूज दे रखी है, a=2 और b=3, ये हमें उसमें पुट करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बस ध्यान से समझेंगे, इजी बहुत है। 2/3a² b मल्टीप्लाई करनी है आपको 6/5a³ b² से, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसी के आगे लिख लेते हैं, नंबर्स की एक साथ, 2/3 मल्टीप्लाई 6/5, और a देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो a कितना हो जाएगा 5, और b देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो b कितना हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 अपॉन 1 5 जा 5, माइनस प्लस माइनस a² 5 और b³ 3, ये तो हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपको दे रखा है a=2 और b=3, वेन a=2 और b=3। वेरिफिकेशन करेंगे किसमें, जो क्वेश्चन है उसको हम LHS मान लेंगे, ठीक है, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया उसको हम RHS मान लेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं ये वैल्यूज लगाने के बाद, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, जो क्वेश्चन है उसको हमने LHS कंसीडर किया, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने RHS कंसीडर। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS में वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, -2/3 ऐसी रहेगा, जहां जहां ए है वहां वहां 2 रखना है, और जहां जहां बी है वहां वहां 3 रखना है। -2/3 a² a की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू बी,
बी की वैल्यू क्या है, 3, फिर बीच में मल्टीप्लाई है 6/5 ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2/3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मल्टीप्लाई 3, 6/5, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 वन ज़ा 3, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 48 8 ज़ा 384, और 384 9 ज़ा 3 4 5 6 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है 5, ये देखो माइनस प्लस माइनस, यानी एल एच एस ये आ रहे, अगर आर एच एस भी आ जाएगी तो हमारा आंसर ठीक होगा, आर एच एस ये है, ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं कहीं नेक्स्ट पेज पर, आर एच एस हमारी जो है वो है माइनस का 4/5 ए की पावर 5 बी की पावर 3, ए की पावर 5 बी की पावर 3, हमें ए इक्वल्स टू क्या लगाना है 2, तो 2 की पावर 5, और बी इक्वल्स टू क्या लगाना है 3, तो 3 की पावर 3, जहाँ ए है वहाँ 2, जहाँ बी है वहाँ 3, यहाँ पर ए की पावर 5 है तो 2 की पावर 5, यहाँ बी की पावर 3 है तो 3 की पावर 3, माइनस का 4/5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, जब आप 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32, ऐसे करके 1 2 3 4 5, ऐसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये आ गया, ऐसे ही 3 का क्यूब क्या होता है 27, जब 34 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 की 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 1 2 8/5 इंटू 27, 1 2 8/27 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 5 6/5, और ये माइनस चल रहा है, तो यही हमारा आर एच एस आया था, फिर एल एच एस आया था 3 4 5 6/5, ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ पे लिखेंगे हैंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये बराबर है इसलिए वेरीफाइड हो गया, ठीक है, इस तरीके से वेरिफिकेशन अगर आएगा तो इस तरीके से आपको करना है, क्लियर है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 ए की पावर 5 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर व्हेन ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 0.5, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करना है, तो यहाँ आपको एल एच एस और आर एच एस नहीं दिखाना है, यहाँ आपको सिंपली पहले मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने यहाँ पर की थी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई आई है इस तरीके से, इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई भी आएगी, क्लियर है, जो इसकी मल्टीप्लाई आई है जैसे ए और बी में टर्म आई है ऐसे ही इस जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी, तो जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 0.5 रखकर आंसर बताना है बस, क्लियर है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2.3 ए की पावर 5 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई में हमने आपको बताया था नंबर्स की मल्टीप्लाई अलग होती है, तो 2.3 की मल्टीप्लाई होगी 1.2 से, ठीक है, यहाँ ए 5 है यहाँ 2 है तो ए की पावर 7, यहाँ बी 2 है यहाँ भी बी 2 है तो बी की पावर 4, अब ये मल्टीप्लाई आपको वैसे ही करनी है जैसे हमने डेसिमल चैप्टर में सीखी थी, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 6 4 3 7, 2 7 6, इसकी मल्टीप्लाई आ रही है 2 7 6, 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 2.76 ए की पावर 7 बी की पावर 4, अब पुटिंग क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 0.5, यही तो कहा इन्होंने कि जब ए इक्वल्स टू 1 हो और बी इक्वल्स टू 0.5 हो तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो जो मल्टीप्लिकेशन आई है 2.76 मल्टीप्लाई
एक की जगह क्या रखना, वन, यानी वन की पावर 7 मल्टीप्लाई बी की जगह क्या रखना, 4.5, 0.5 की पावर 4। वन पर कितनी भी पावर लगाओ वो वन ही रहता है, तो 2.7 मल्टीप्लाई वन इंटू ये हो जाएगा 0.5। इसको 4 टाइम्स लिख लेते हैं, पावर 4 है ना, 2, 3 एंड 4। 2.76 वन ज़ा 2.76 ही रहेगा, 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एक एक करके भी कर सकते हैं, 2.76 की 5 से कर सकते हैं, आपको बस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये काफी लंबी मल्टीप्लाई होने वाली है, आंसर यही आएगा, क्लियर है। नाउ रीड द हेडिंग, फाइंड द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। क्या करना है आपको, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, और हमने आपको बताया था जब भी वेरिफिकेशन आएगा तो जो क्वेश्चन होगा वो LHS होगा, जो आंसर होगा वो RHS होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, 2/5 a² b मल्टीप्लाई 15 b² ac 1/2 c². इसमें अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारी LHS बनेगी, ठीक है। तो नंबर्स एक साथ रखेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 15 और माइनस का 1/2, 2 1 ज़ा 2 और 5 3 ज़ा 15। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 a³। a कैसे, दो ये हैं, एक ये है 3, b एक ये है, दो ये हैं 3 और c एक ये है, दो ये है, तो C³³ हो गया। वेरिफिकेशन जब होगा तो ये LHS होगी और ये RHS होगी, ठीक है। तो LHS में आपको क्या रखना है, a=1, b=2, c=3, ये आपको पुट करना है। और 2/5 a की जगह क्या रखेंगे, 1, b की जगह 2, ठीक है। मल्टीप्लाई माइनस का 15, b की जगह रखना है 2, b² है इसलिए 2 का स्क्वायर, ए की जगह 1 रखना है, सी की जगह 3 रखना है, मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 एज इट इज, सी की जगह 3 रखना है, सी का स्क्वायर है इसलिए 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2/5 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो 4/5 आ गया ये। इसे आप सॉल्व करेंगे माइनस 15 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, वो आ गया ये, ठीक है। माइनस 1/2 ऐसे ही रहा, 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पर देखते हैं 2 6 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, क्लियर है। तो ये आपका बचेगा 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 72 9 ज़ा 648, माइनस माइनस प्लस। RHS क्या होगी, ये 3 a³ b³ c³, तो यही RHS है। 3 a की जगह रखा है 1, क्योंकि तीनों के ऊपर पावर 3 है इसलिए लगा, बी की जगह रखा है 2 और सी की जगह रखा है 3। 3 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27। क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 3 की जब आप 27 से करेंगे, यानी 27 3 ज़ा 81, 81 की 8 से करेंगे तो 648। देखो यही LHS है, LHS और RHS बराबर आ रही है, दैट मीन्स वेरीफाइड है, ओके। इस तरीके से आपको करना है।